हेलो एवरीवन, आई एम रोहित तापड़िया फ्रॉम सेपर्स एजुकेशन। सेपर्स एजुकेशन के चैनल तो आपने देखी ही होगी, नहीं देखा है तो जाके वीडियो देखिए यूट्यूब पे, सेपर्स एजुकेशन। बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी 11 12th के है उस पे। आज मैं तुम्हें एक नए स्टैंडर्ड के लिए 8 9 10th के लिए मैथ्स का बेसिक कंसेप्ट पढ़ाने वाला हूँ। बेसिक कंसेप्ट में क्या है, बेसिक कंसेप्ट मतलब जो भी तुम्हारी छोटी मोटी गलतियां होती है वो सारे आज के वीडियो देख के, जो कैलकुलेशन मिस्टेक्स करते हो वो सब सॉल्व आउट हो जाएगी। चलो आज हम सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैथ्स पढ़ने वाले हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैथ्स मतलब जो हम बेसिकली 8 9 10th में सीखते आते हैं पर हमारा वीक रह जाता है, तो उसके लिए मैं तुमको आज चार चीजों के बारे में पढ़ाने वाला हूँ। सबसे पहले रेशियो। रेशियोज तो सुना ही है सबने, डिवाइड वाले, न्यूमेरिकल्स, डिनोमिनेटर्स, ये सब नाम। सेकेंड इंडाइसेस पढ़ने वाले हम लोग। इंडाइसेस मतलब पावर्स, ऊपर पावर के पावर खेलना। थर्ड एलसीएम, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज के लिए तुम्हारा। एलसीएम कैसे निकालता है ये 10th वाले बच्चों को भी नहीं आता है। और उसके बाद रूट्स के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। रूट्स मतलब रेशनलाइजेशन, नाम सुना होगा रेशनलाइजेशन, ये चार चीजों के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। चलो सबसे पहले हम रेशियोज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। रेशियोज क्या होता है, नॉर्मली दो नंबर होते हैं, एक होता है ऊपर एक होता है नीचे, उसको हम रेशियोज बोलते हैं। मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, इन दो को तो सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। पर अगर न्यूमरेटर में हमारे पास ऑलरेडी दो नंबर है, फॉर एग्जाम्पल ऐसा कुछ है हमारे पास, तो इसको सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करोगे इसको। सब बेसिक गलतियां करते हैं तो इसलिए बता रहा हूं एक बार बेसिकली कि इसको सॉल्व करने के लिए हमको ए अपॉन जो नीचे डिनोमिनेटर होता है, जो नीचे डिनोमिनेटर होता है वो सीधा बेस से मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब This is my final answer. Clear all of you? एक और चीज इसमें अगर मैं तुमको बताऊं कि अगर नीचे डिवीजन में है कुछ, अगर नीचे कुछ डिवीजन में है, अब इसको कैसे सॉल्व करोगे? इसको सॉल्व करने के लिए जो डिनोमिनेटर है उस डिनोमिनेटर को हम लोग ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। कहां मल्टीप्लाई करेंगे? ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर ऑल ऑफ यू? अब एक और नई चीज इसमें, अगर दोनों जगह अपॉन में है, ए अपॉन बी सी अपॉन डी, ये 10th में बहुत जगह काम आता है, ए अपॉन बी और सी अपॉन डी, इसको कैसे सॉल्व करोगे? नथिंग एल्स, जो हमने फर्स्ट और सेकंड में सीखा है वो हमको थर्ड में इंप्लाई करना है। ए बी नीचे जाके मल्टीप्लाई होगा और डी जो है वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा। दिस इज माई फाइनल आंसर। क्लियर ऑल ऑफ यू? चलो ये था रेशियोज के बेसिक कंसेप्ट। ठीक है, तीन रेशियोज है, उसको नॉर्मली कैसे सॉल्व करना है वो मैंने तुमको बताया है। अब हम लोग जाते हैं इंडाइसेस पे। चलो अब हम सेकंड टॉपिक पे जा रहे हैं, इंडाइसेस। इंडाइसेस के बारे में भी सबने पढ़ा होगा। इसमें दो चीजें काम की होती है, एक होता है नंबर, एक उसका पावर। इसको सॉल्व करने के तरीके क्या क्या होते हैं? अगर हमको नॉर्मली एक नंबर एक पावर दिया है तो उसको हम सीधा स्क्वायर कर सकते हैं, क्यूब कर सकते हैं, फोर्थ पावर फिफ्थ पावर जो दिया है मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 की पावर 3 है तो इट्स इजी टू सॉल्व, तुम लोग इजीली सॉल्व कर पाओगे कि 2 × 2 × 2 इट विल बी 8। पर अगर इसमें ही अगर मैं कुछ अलग लेके आता हूं, फॉर एग्जाम्पल 2 की पावर 3 × 2 की पावर 4, कैसे को सॉल्व कर पाओगे तुम? यस, इट्स वेरी इजी टू सॉल्व। कैसे सॉल्व करोगे? अगर बेस सेम है तो पावर एड होंगे, अगर बेस सेम है तो पावर एड होंगे। मेरे वर्ड्स पे ध्यान रखना सब लोग, ठीक है? तो 2 की पावर 7 इज माई आंसर, 2 की पावर 7 इज माई आंसर। तो थोड़े बेसिक रूल्स देखते हैं अपने इसमें जो अपने काम आने वाले हैं। अगर बेस सेम है, पावर अलग अलग है, सो हम लोग उसको ऐड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं हम लोग उनको? ऐड कर सकते हैं। तो ए एम प्लस एन विल बी माई आंसर। सेकेंड, अगर बेस सेम है पर दोनों डिवीजन में है, किसमें है? दोनों डिवीजन में है, तो हम लोग उनको इजिली सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं हम लोग उसको? इजीली सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। एग्जांपल्स में बताऊंगा सबके, पहले थोड़े बेसिक देख लेते हैं अपने, उसके बाद एग्जांपल्स देखेंगे। थर्ड, अगर पावर की कोई पावर है, अगर पावर की कोई पावर है तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? मल्टीप्लाई 8। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई 8। सबसे इंपॉर्टेंट, अगर कोई की पावर 0 है देन इट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, किसी के मतलब मैं कोई भी नंबर लू 100 की पावर 0, माय आंसर विल बी 1। मतलब एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। क्लियर ऑल ऑफ यू? ये तीन
बेसिक बेसिक चीजें, और आगे जाओगे 11 12th में जाओगे, सीए की स्टडीज करोगे, फाउंडेशन में जाओगे, उसमें और पूरे चैप्टर है इंडाइसेस का, वो सब चीजें अलग है। मैं तुमको बेसिक फंडास बता रहा हूँ जो अपने 8 9 10th के लिए काम आते हैं। इतना क्लियर ऑल ऑफ यू? चलो अब इनके एग्जांपल एक एक तुमको मैं बता देता हूँ इसी चीज पे। अगर जैसे बेस सेम था मैंने तुमको बोला, तो उसका एग्जाम्पल मैंने ऑलरेडी ऊपर दिया था, 2 की पावर 3 × 2 की पावर 4, पावर विल बी समेशन, पावर विल बी समेशन, माई आंसर विल बी 2 की पावर 7, माई आंसर विल बी 2 की पावर 7। सेकेंड एग्जाम्पल, अगर डिवाइड में है, अगर डिवाइड में है तो मैं क्या कर सकता हूं, मैंने बताया था मैं माइनस कर सकता हूं, क्या कर सकता हूं मैं माइनस, तो 2 की पावर 4 - 3 दैट इज इक्वल टू 2 की पावर 1। क्लियर ऑल ऑफ यू? क्लियर ऑल ऑफ यू? एक लास्ट एग्जाम्पल और बता देता हूं कि 2 की पावर 2 की पावर 3, अब ये क्या होगा, इसमें पावर को एड मत कर देना, ये गलतियां करते हो छोटी छोटी, इसलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट हुआ, इसमें पावर को एड मत कर देना, इसमें मैं क्या करूंगा, दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, क्या करूंगा दोनों को मल्टीप्लाई, दैट इज माय आंसर विल बी 2 की पावर 6। क्लियर ऑल ऑफ यू? ये था इंडाइसिस के बारे में, किसके बारे में, इंडाइसिस के बारे में। क्लियर ऑल ऑफ यू? चलो अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैं तुमको मेन आज पढ़ाने जा रहा हूं वो है एलसीएम। एलसीएम क्यों मैं पढ़ा रहा हूं, तुम सोचते होंगे क्या सर है एलसीएम पढ़ा रहे दसवीं वाले बच्चों को, अरे एलसीएम में बहुत मिस्टेक्स होती है, बहुत मतलब बहुत मिस्टेक्स होती है। चलो एलसीएम से चालू करते हैं अपने, कि एलसीएम कैसे लेना है, कैसे सॉल्व करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है तुम्हारे लिए। थर्ड कंसेप्ट पे अपने एलसीएम, एलसीएम वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, 10th के बच्चे भी इसमें गलतियां करते हैं, तो 8 9 तो करते ही करते हैं, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूं इतने साल से तो मुझे पता है क्या गलतियां करते हैं। पेपर चेकिंग के टाइम बहुत गालियां देता हूं मैं मन से, कि ये गलती तुम 10th में आगे कैसे कर सकते हो, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट है तुम्हारे 8th में नहीं तो 9th में मैक्सिमम सॉल्व हो जाने चाहिए। फॉर एग्जांपल एलसीएम सॉल्व करवाता हूं, फर्स्ट चीज 1/2 + 1/3। अब तुम सोचोगे क्या पढ़ा रहे हैं सर, तो इतना ईजी तो सबको आता है। चलो ये भी बहुत जन गलत करेंगे, ठीक है, 1/2 / 1/3 कैसे लोगे एलसीएम? एलसीएम मतलब होता है नीचे के जो भी नंबर से उनको मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 और 3 मल्टीप्लाई होके कितना हो जाएगा, 6। क्लियर ऑल ऑफ यू? अब दोनों की टेबल में कौन कितनी बार आता है, बचपन में सिखाया होगा ऐसा सब, 2 की टेबल में 3 टाइम 3 की टेबल में 2 टाइम। यस 3 1 जा, देखो क्या चीज है, ये 3 को ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है, 3 1 जा 3 2 1 जा 2, माई आंसर विल बी 5/6। क्लियर ऑल ऑफ यू? ये नॉर्मल सम था। चलो इसमें एक हायर वर्जन पे जाते हैं अपने, कि दूसरा अगर मैं तुमको एक और चीज बताऊं, 2/3 + 4/5, वर्जन चेंज हो रहा है अब धीरे धीरे, ध्यान देते रहना, 2/3 + 4/5। सबसे पहले एलसीएम क्या होगा उसका, 5 3 = 15, 5 3 = 15। क्लियर ऑल ऑफ यू? यस 3 की टेबल में 5 टाइम 5 की टेबल में 3 टाइम। देखो पिछले तो क्या हुआ था, 3 1 जा 3 हो गया था, यहाँ पे 5 2 जा होगा, ऊपर जो नंबर है उससे मल्टीप्लाई करना कंपलसरी है, तो 5 2 जा 10, 4 3 जा 12, माय आंसर विल बी 22/15। क्लियर ऑल ऑफ यू? ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ एलसीएम है, अभी इसमें और हायर वर्जन आने वाले हैं, देखते रहो हायर वर्जन। थर्ड एग्जाम्पल में बता रहा था तुमको, थर्ड एग्जाम्पल में तुमको बता रहा था एलसीएम का कि कैसे सॉल्व करना, 2/6 ले लेते हैं प्लस 1/3 ले लेते हैं, अगर तुमको ये सम दिया है तो कैसे सॉल्व करना। देखो सॉल्व करने से पहले एक और चीज दिमाग में रखना कि सामने वाला पागल बना सकता है, कैसे, ये चीज तो कैंसिल हो रही है सीधा, 2 1 जा और 2 3 जा, क्या बोलते हो, मतलब तुम्हारा क्वेश्चन क्या हो गया, ये 1/3 + 1/3, सो बेसिकली ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया, खाली तुमको दिया था ऐसा सॉल्व करने को, सो इट विल बी एलसीएम मेरा 3 हो गया, एलसीएम मेरा 3 हो गया। देखो एलसीएम यहाँ पे अब 6 मत कर देना, अगर दोनों सेम नंबर है तो मैं 3 लिख सकता हूँ एलसीएम, अब दोनों की टेबल में 1 1 टाइम उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, 1 1 जा 1 ही होगा, 1 1 जा 1 होगा, 1 1 जा 1 होगा, तो उनसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है,
इट विल बी 1+1 दैट इज 2/3। आया समझ में? ये देखो क्वेश्चन कितना टफ लगता है पर सॉल्व करते हैं तो कुछ नहीं है उसके अंदर। ठीक है, एक और चीज, एक और अच्छी चीज बता रहा हूं मैं एलसीएम में तुमको। फोर्थ एग्जाम्पल एलसीएम का, 3/5 + 2/5। देखो ये सेम बेस वाले एलसीएम करवा रहा हूं मैं तुमको अभी, कि सेम बेस है अगर उसका अंदर तो उसको कैसे सॉल्व करना है। कुछ नहीं, जो नीचे नंबर है हमारे पास वो हमारा एलसीएम, ना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना कुछ करना पड़ेगा। अगर दोनों का बेस सेम है तो एलसीएम विल बी सेम ओनली, हमको कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। और सबसे बड़ी बात, ऊपर कोई मल्टीप्लाई करने की भी दिक्कत नहीं है, ऊपर वाले नंबर को भी प्लस कर सकते हैं हम डायरेक्टली। इट मींस 3+2 दैट इज 5/5 दैट इज इक्वल्स टू 1। है ना, बहुत इजी, ये देख के डरना मत। ठीक है, अगर एलसीएम का बेस सेम है तो दोनों नंबर्स का एलसीएम सेम होगा, अगर बेस सेम है तो ऊपर मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा नहीं, हम जो यहाँ पे मल्टीप्लाई करते थे उसकी भी कोई नीड आएगी नहीं और ना ऊपर मल्टीप्लाई करने की नीड आने वाली। क्लियर ऑल ऑफ यू? जो नंबर्स है 3 तो 3 एज इट इज, 2 तो 2 एज इट इज, 3+2 5 5/5 माई आंसर विल बी 1। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे जाते हैं, थोड़ा लेवल बढ़ाने वाला हूं मैं अब धीरे धीरे, तो लेवल इसलिए प्रैक्टिस करते रहना साथ साथ में कि तुमको समझ पड़ता रहेगा। क्लियर ऑल ऑफ यू? चल, 3/8 + 1/4। तुमको लग रहा हायर वर्जन क्या है, नंबर अलग अलग है तो मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा। चलो मैंने जो बेसिक सिखाया था वो, कि नीचे के अगर दोनों नंबर डिफरेंट है तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 8 × 4 = 32 मल्टीप्लाई करो 8 की टेबल में 4 टाइम, 4 की टेबल में 8 टाइम्स। क्लियर ऑल ऑफ यू? ऊपर मल्टीप्लाई, ऊपर मल्टीप्लाई, मैंने बताया था वही मैं कर रहा हूं, कुछ नया नहीं कर रहा हूं। 4 × 3 = 12 8 × 1 = 8 12 + 8 = 20/32। दिस इज माय फाइनल आंसर। अभी तो कैंसिलेशन बाकी है, 4 की टेबल में 5 टाइम, 4 की टेबल में 8 टाइम, माय आंसर विल बी 5/8। क्लियर ऑल ऑफ यू? अब देखो इसको अगर दूसरे मेथड से सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, सेकेंड मेथड जाते हैं इसका अपने। देखो अगर नीचे दोनों नंबर एक दूसरे की टेबल में आते हैं, फॉर एग्जाम्पल 8 और 4 दोनों एक दूसरे के फैक्टर है, हाँ दोनों एक दूसरे के फैक्टर है, तो मैं क्या ले सकता हूं, मैं डायरेक्ट एलसीएम 8 ले सकता हूं। क्यों? 8 की टेबल में भी आता है, 4 की टेबल में भी आता है, ऐसा नंबर है ये, वो दोनों की टेबल में आता है। तो अब उसके लिए अपने लिए इजी क्या हो जाएगा, ये इजी हो जाएगा कि जब मेरे पास जो क्वेश्चन है 3/8 + 1/4, 8 की टेबल में 1 टाइम, 4 की टेबल में 2 टाइम्स, फर्क दिखा ऊपर और नीचे वाले में फर्क दिखा? ऊपर कैलकुलेशंस थोड़े बड़े हो जाएंगे, 32 मल्टीप्लाई करना है, फिर कटिंग और करनी पड़ रही है हमको लास्ट में, यहाँ पे ऐसा कुछ करना पड़ेगा नहीं, हमको डायरेक्ट आंसर पे पहुंचेंगे। हमारा एलसीएम हुआ 8, 3 × 1 = 3 2 × 1 = 2, माई आंसर इज अगेन द सेम 5/8। मतलब दोनों मेथड से आंसर तो सेम आने हैं पर कैलकुलेशन, टाइम, ये सब बचत बहुत काम आती है, जो बेसिक स्टूडेंट्स, वीक स्टूडेंट्स, एवरेज स्टूडेंट्स के लिए बहुत दिक्कत अलग है। जो टॉपर होंगे अपने अपने क्लास के, जो 90-95 लाते होंगे, उनको तो ये सब आता होगा, तभी तो 90-95 लाते हैं। पर मैं बेसिक्स के लिए बता रहा हूँ, बेसिक्स मतलब 50, 60, 70, 80, सबको ये चीजें बहुत काम आने वाली है। क्लियर सबको एलसीएम के बारे में थोड़ा बहुत? चलो अब एक दो सम और करवा देता हूं, फिर एलसीएम टॉपिक अपना खत्म हो जाए। नेक्स्ट एग्जांपल पे जा रहे थे अपने, एग्जांपल नंबर 6। पेन और बुक लेके बैठ जाओ सब लोग, ठीक है, ट्राई करते रहो मेरे साथ में, जितना सॉल्व करोगे उतना मैक स्ट्रांग बनेगा। बोलते ना कहावत है कि जितना घसोगे उतना सीखोगे, ये बात है, तो जितना तुम अपना पेन घस सकते हो उतना दिमाग चला सकते हो मैक्स में। मैक्स खाली प्रैक्टिस से सीखा जाता है, मैक्स में कोई लर्निंग वर्निंग कुछ काम आने वाली नहीं है। 6 एग्जांपल पे जाते हैं अपने नॉर्मली, थोड़ा बड़ा सम दे रहा हूं, थोड़ा अच्छा सम दे रहा हूं, तो ध्यान रखना। 3/7 + 2/9 देखो इसमें दोनों फंडे मेरे काम नहीं आ रहे, कौन से दोनों फंडे, बेस सेम नहीं है, चलो ठीक है, दूसरा फंडा दोनों एक दूसरे के फैक्टर भी नहीं है,
दोनों एक दूसरे के फैक्टर भी नहीं है, कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है सेवन और नाइन का। इन शॉर्ट इसमें हमको बेसिकली सॉल्व करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करके, जो मैंने सबसे पहले सिखाया था तुमको। मल्टीप्लाई मतलब सेवन नाइन जा 63, सेवन नाइन जा 63, सेवन की टेबल में नाइन टाइम, नाइन की टेबल में सेवन टाइम। देखो ये तो समझ ही जाना, इंटरचेंज हो जाता है। क्लियर ऑल ऑफ यू? नाइन थ्री जा 27, सेवन टू जा 14, इतना तो बेसिक आता है मैक्स। अब दोनों को टोटल कर लेते हैं, 41/63, दिस इज माई फाइनल आंसर। ये मालूम है कहाँ पे यूज होगा? ट्रिगो में। ट्रिगो पढ़ा होगा सबने, ट्रिगो के अंदर ये चीजें बहुत कैलकुलेशन में काम आती है। एक्सरसाइज 8.2 फॉर 10th स्टैंडर्ड, याद कर लेना, उसका थर्ड सम फोर्थ सम सब में यही चीजें काम आने वाली है। तो इसलिए एलसीएम वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, ठीक है? इसलिए मैं इतना फोकस कर रहा हूँ, एक एक बेसिक बेसिक सम्स करवा रहा हूँ कि तुमको हायर स्टडीज में 10th तक में कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। ये चीज समझ में आई सबको? ये एलसीएम समझ में आया सबको? चलो अब एक मिक्सर कर दो रेशियोज और एलसीएम का। तुमने अभी ऊपर रेशियोज भी पढ़ा, इधर एलसीएम भी पढ़ा, एक दोनों का एक मिक्सर करके एक सम देता हूं तुमको मैं, उसको सॉल्व करना है। उसका सॉल्यूशन कैसे करना है वो तो मैं बताऊंगा, पर तुम लोग को सबको ट्राई करना है। चलो एग्जाम्पल नंबर 7, 2/3/5, 1/3/4। देख के डर जाते हैं आधे लोग की क्या हो रहा है, ये सब क्या दे दिया। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम लोग को सब आता है। मैंने क्या दिखाया था कि अगर ऊपर कोई नंबर अपॉन में है तो सीधा उसको नीचे ले सकता हूं, मतलब इसको मैं सीधा सॉल्व कर सकता हूं, 2/15 + 1/12। क्लियर ऑल ऑफ यू? ये चीज तो मैंने बताई ही थी। अब वापस एक और दिक्कत आ गई। क्या दिक्कत आ गई? कि नीचे नंबर इतने बड़े बड़े हैं, क्या कोई फैक्टर है किसी का? क्या दोनों की टेबल में कोई फैक्टर जाएगा? अब फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे तुमको फैक्टर्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे। कैसे कैलकुलेट करते हैं फैक्टर्स? चलो देखते हैं, अगर कोई बड़ा नंबर होता है तो कैलकुलेट कैसे करना। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास दो नंबर है 12 और 15 है, दो नंबर। चलो थ्री की टेबल में फोर टाइम, थ्री की टेबल में फाइव टाइम, यस। फोर की टेबल में वन टाइम, फाइव नहीं आता। फाइव की टेबल में वन टाइम, वन टाइम। क्लियर ऑल ऑफ यू? हाँ, मतलब मेरे फैक्टर क्या हो गए? 5, 4, 3, मतलब 5, 4, 3 मतलब हो गया 60। क्या हो गया? 60। बड़े सम्स है, 10th के अंदर ट्रिगो में बहुत काम आते हैं ये सम्स, ठीक है? अब 60 तो एलसीएम आ गया। अब बेसिकली जैसे सॉल्व करते हैं वैसे करेंगे। 15 की टेबल में 4 टाइम, 12 की टेबल में 5 टाइम, यस। 4 टू जा 8, 5 वन जा 5, मतलब मेरा आंसर हो गया 13/60। क्लियर ऑल ऑफ यू? आई चीज समझ में? चलो ये चीज और क्लियर हो गई। अब एक लास्ट वर्जन बोल सकता हूं जो रेशियोज और एलसीएम का मिक्सर है, एक लास्ट वर्जन जो रेशियोज और एलसीएम का मिक्सर है, उससे ऊपर कभी सम नहीं आएगा। अप टू 10th तुमको कभी काम पड़ेगा नहीं, अप टू 10th तुमको कभी कोई काम पड़ने वाला नहीं है। एट्थ एग्जाम्पल 1/3/1/2 + 2/3/3/5। नंबर छोटे छोटे लिए मैंने एक बार के लिए कि तुमको कैलकुलेशंस में प्रॉब्लम ना हो। पर सबसे टफेस्ट सम बोल सकता हूं अप टू 10th का मैं, जो तुम्हारे ट्रिगो में मैक्सिमम आ सकता है, या फिर 9th में हो गया, या फर्स्ट चैप्टर तो है ही 9th में, इंडाइसेंस एंड रेशियोस, उसके अंदर काम आ सकता है, ठीक है? अब इसको कैसे सॉल्व करोगे? आधे बच्चों ने तो सॉल्व कर भी लिया होगा, बेसिक स्ट्रांग है तो सॉल्व हो भी जाएगा, ठीक है? दोनों का मैंने तुमको बताया था, अगर रेशियोज है तो मैं पहले उसको क्या करूंगा, उसको पहले सिंप्लीफाई फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा। इसका सिंप्लीफाई फॉर्म क्या होगा? क्या मैं 2 को ऊपर भेजूंगा? यस। क्या 3 को नीचे? यस। ये फर्स्ट वाले का सॉल्यूशन हो गया इसका, 3, 2 गया ऊपर, 3 आया नीचे। सेम सेकेंड के साथ करूंगा, 2 × 5, 3 × 3। आई चीज समझ में? 5 गया ऊपर, 3 आया नीचे। ये बेसिक जो मैंने फर्स्ट पार्ट में तुमको आज पढ़ाया, इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 2/3, ये हो जाएगा 10/9।
क्लियर इतना? अरे वाह, नीचे देख रहे हो क्या हो गया, फैक्टर्स मिल गए हमको एक दूसरे के। थ्री की टेबल में नाइन भी आता है, नाइन की टेबल में भी नाइन आता है, तो मैं एलसीएम डायरेक्टली ले लूंगा नाइन, एलसीएम डायरेक्टली ले लूंगा नाइन। थ्री थ्री जा नाइन, नाइन वन जा नाइन, थ्री मल्टीप्लाई बाय टू सिक्स, टेन मल्टीप्लाई बाय वन टेन, सिक्स प्लस टेन सिक्सटीन अपॉन नाइन, दैट इज माई फाइनल आंसर। आया समझ में? देखो नंबर्स छोटे थे इसलिए कैलकुलेशन छोटा था, इसमें अगर मैं बड़े नंबर्स दूंगा तो कैलकुलेशन विल बी मोर 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 टफ। क्लियर ऑल ऑफ यू कैसे सॉल्व करना है? चलो फोर्थ टॉपिक जो आज का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आफ्टर एलसीएम वो है रूट्स। रूट्स तो सबने सुना है, चलो रूट्स के बारे में पढ़ाता हूं मैं तुमको। रूट्स क्या होता है? स्क्वायर रूट सुना होगा, क्यूब रूट सुना होगा एट के अंदर तुम लोगों ने, कि स्क्वायर रूट क्या होता है, क्यूब रूट्स क्या होता है, वो सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं तुमको बोलू कि फोर का स्क्वायर रूट क्या है, सब बोल लोगे फटाफट टू है टू है। ये बहुत बेसिक है जो टेंथ वालों के लिए बहुत इजी चीज है, ठीक है। पर अगर मैं तुमको एक चीज पूछूं कि एट का रूट क्या है, क्या तुम फटाफट दे पाओगे? नहीं दे पाओगे। क्यों नहीं दे पाओगे? क्योंकि एट का रूट कुछ होता ही नहीं है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, उसको सॉल्व करने का तरीका मैं बताता हूं। सबसे पहले इनके फैक्टर्स बनाएंगे, क्या बनाएंगे? फैक्टर्स। एट के फैक्टर्स क्या होते हैं? टू टू टू, यस ऑल ऑफ यू, टू टू जा फोर, फोर टू जा एट। अब दो टू है उसको मैं रूट के बाहर ले सकता हूं, और जो बचा हुआ टू है वो अंदर हो गया, मतलब ये हो गया मेरा एट का रूट। टू रूट टू इज माई आंसर, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। रूट एट टेंथ वाले बच्चों को भी नहीं आता है, रूट एट की वैल्यू टेंथ वाले बच्चे भी नहीं निकाल पाते हैं, क्यों? ये चीज उनको आती नहीं है समझ में। चलो ऐसा ही एक और रूट का एग्जाम्पल देता हूं मैं, फॉर एग्जाम्पल रूट ऑफ 27। पेन बुक तो साथ में लेके बैठना, जब भी मैक्स का लेक्चर यूट्यूब से अटेंड करो पेन और बुक्स हमेशा साथ में होना चाहिए। रूट 27 कैसे सॉल्व करोगे? रूट 27 का कुछ डायरेक्ट स्क्वायर रूट होता है? नहीं होता है, तो हाउ विल यू सॉल्व इट? चलो थ्री थ्री थ्री, थ्री थ्री जा नाइन, नाइन थ्री जा 27। अगेन द सेम, दो थ्री कॉमन है वो रूट के बाहर आ जाएंगे, अंदर बचेगा एक रूट, तो माई आंसर विल बी थ्री रूट थ्री, माई आंसर विल बी थ्री रूट थ्री। क्लियर? बेसिक सॉल्व करना आ गया, रूट कैसे सॉल्व करना है। चलो अब जो नाइन्थ में अपने सीखते थे रैशनलाइजेशन, जो टेंथ में वापस ट्रिगो में बहुत काम है इस सब चीजों का। बेसिकली ट्रिगो हो गया, एरिया रिलेटेड टू सर्कल हो गया, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम हो गया, जहां पे कैलकुलेशन बहुत जरूरत पड़ती है। नाइन्थ चैप्टर हाइट एंड डिस्टेंस, वहां पे भी बहुत काम आएगा कैलकुलेशंस का। तो ये सब रूट शूट सॉल्व कैसे करना है वहां पे काम लेंगे अपने। नाइन्थ में काम आता है उसमें कौन से चैप्टर में? हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूला पूरा रूट ही है। अगर मैं तुमको बोलू रूट ऑफ 36 तुम फटाफट आंसर दे दोगे सिक्स। वही चीज अगर मैं कोई नंबर चेंज कर दू फिर तुमको पूछूंगा, तुमको सॉल्व करना पड़ेगा, पर सॉल्व करना भी आना चाहिए। हमेशा ध्यान रखना हम कोई भी नंबर्स का रूट निकाल सकते हैं, ठीक है। जितने कॉमन नंबर्स है जितना पैर बन रहे दो दो के पैर, एक एक नंबर रूट के बाहर लेते जाएंगे, और जितने पैर नहीं बन रहे हैं वो रूट के अंदर एज इट इज बच सकता है। चलो एक और एग्जांपल मैं इस तौर पे कराता हूं क्योंकि मुझे याद आ गया हीरोन्स फार्मूला के लिए एक एग्जांपल करवाता हूं। रूट ऑफ बोलो कोई नंबर तुम्हारे मन का, चलो मैं मेरे मन का ले लेता हूं 90। दिखने में तो बहुत इजी लग रहा है, चलो सॉल्व भी करते हैं। अब 90 के फैक्टर्स बनाओ तो देखो कैसे बनाओगे फैक्टर्स, पहले छोटे छोटे 9 10 तुमको पता है, सबको सबको पता है, इसमें तो दिक्कत आनी नहीं है। 9 10 लिख दिया, अब क्या 10 का कोई स्क्वायर रूट? नहीं। 9 का? हाँ, तो मैं सीधा इसको आंसर लिख सकता हूं 3√10। मैं सीधा इसका आंसर लिख सकता हूं 3√10। 3 क्यों हुआ? सबको समझ पड़ा ना, 9 जब रूट के बाहर आएगा तो 3 हो जाएगा, 10 का कोई रूट नहीं है तो उसको एज इट इज रूट 10 अंदर रहने दिया। ये सबसे ज्यादा हीरोन्स फार्मूला में काम आती है ये चीजें। क्लियर ऑल ऑफ यू? चलो एक बड़ा नंबर लेते हैं 64। रूट ऑफ 64, चलो अब रूट ऑफ 64 पर 64 को मल्टीप्लाई कैसे करोगे? मेरे हिसाब से किसी को नहीं पता कि 64 किसकी टेबल में आता है। है कोई जिसको पता है? नहीं पता, चलो मुझे तो पता है 16 4 जा होता है 64। अब तुम वापस सोचोगे 16 और 4 दो बड़े नंबर आ गए,
कैसे सॉल्व करें? देखो एक चीज बताऊं इंपॉर्टेंट, दोनों किसी के रूट है। 16 4 का रूट है, 4 2 का रूट है, मतलब मेरा आंसर हो गया 8। क्या बोलते हो? 64 इज द स्क्वायर ऑफ 8, 64 इज द स्क्वायर ऑफ 8। ये चीजें भी याद रहनी चाहिए, सॉल्व करने मत बैठ जाना हर बार कि कोई भी नंबर रूट में देखा फटाफट सॉल्व करने लग जाओ। नहीं, पहले ये दिमाग लगा हो कि वो किसी का स्क्वायर है या नहीं है। क्लियर ऑल ऑफ यू? चलो एक और नंबर एग्जाम्पल्स के साथ चलते अपने आगे। रूट ऑफ 128। अब क्या करोगे? सबसे पहले दिमाग लगाओ ये किसी का स्क्वायर है। नहीं, 128 तो याद नहीं आ रहा है। 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 10 का 100, मतलब 100 के ऊपर जाते, 11 का 121, मतलब ये किसी का स्क्वायर नहीं है। चलो अब अपने बेसिक सॉल्व करते हैं। बेसिक सॉल्व कैसे करोगे? अब तुमको 128 के फैक्टर्स भी नहीं पता होगा कि किसकी टेबल में आता है। बचपन में एलसीएम सीखा था ना, 128, बस वही मेथड से सॉल्व करो पूरा का पूरा। 2 की टेबल में 64, एम आई राइट? यस। 2 की टेबल में 32, एम आई राइट? यस। 2 की टेबल में 16, 2 की टेबल में 8, 2 की टेबल में 4, 4 की टेबल में ले लो ना डायरेक्ट 1, क्योंकि 4 तो किसी का स्क्वायर है हमको पता है। क्लियर? चलो इसके फैक्टर्स लिखते हैं अब अपने। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 4। क्लियर? चलो दो दो के पैर बनाते हैं। ये हो गया 2 का पैर, ये 12 आ गया। ये हो गया 2 का पैर, ये भी 12 आ गया। 4 ऑलरेडी 2 का है, ये 12 आ गया। क्या बचा हमारे पास? हमारे पास एकमात्र नंबर बचा रूट टू। तो मेरा आंसर हो गया 8√2। मेरा आंसर क्या हो गया? 8√2। आई सबको चीज समझ में? एक क्लास एग्जाम्पल कराऊंगा इसका, फिर अपने रैशनलाइज की ओर बढ़ेंगे। एक क्लास एग्जाम्पल इसका सब ट्राई करोगे, ठीक है? चलो रूट ऑफ 675, रूट ऑफ 675। अब इसको भी कैसे सॉल्व करना है? एलसीएम निकालना ही पड़ेगा अपने को, जो बचपन में सीखते थे अपने। 675, देखो लास्ट में 5 है, मतलब 5 एंडिंग नंबर तो होगा ही होगा, ये तो सबको बचपन में सीखा हुआ। 3 का डिविजिबल कैसे पता करते थे? टोटल, टोटल मतलब 6 प्लस 7 प्लस 5 टोटल होता है 18। 18 इज ए डिविजिबल बाय 3, मतलब ये नंबर भी 3 से डिविजिबल है। तो चलो 3 से चालू करते हैं। 3 6 आता है 2 टाइम, 7 वापस 6 आता है 2 टाइम, 15 5 टाइम। यस ऑल ऑफ यू? यस। वापस 3, 7 3 जा 21, 15 जा। क्लियर ऑल ऑफ यू? यस। ये भी चीज क्लियर हो गई। वापस 75, 2 जा 5 जा। अब 25 तो सिर्फ और सिर्फ 5 5 जा होता है। ये मेरे फैक्टर्स बनाए मैंने अभी तक, तो क्या बने हैं? फैक्टर्स। चलो फैक्टर्स लिखता हूं। 3 3 3 और 2 5 है। अब मैंने क्या सिखाया था रूट्स निकालने के लिए? जो दो कॉमन पैर है उनको बाहर लेते जाओ। 3 कॉमन है, बाहर ले लिया। 5 कॉमन है, बाहर ले लिया। क्या बच रहा है मेरे पास? सिर्फ और सिर्फ रूट थ्री, सिर्फ और सिर्फ रूट थ्री, मतलब मेरा आंसर हो गया 15√3। मेरा आंसर क्या हो गया? 15√3। क्लियर ऑल ऑफ यू? ये बेसिक रूट्स थे जो हीरोन्स फॉर्मूला, ट्रिगो, ये सब चैप्टर्स में काम आते हैं फॉर 9, 10, 10। ठीक है, 8th में भी पूरा चैप्टर है स्क्वायर रूट्स, तो उनको तो बहुत काम आना है ये सब चीजें। तो क्लियर ऑल ऑफ यू? चलो अब थोड़ा अपने आगे वर्जन पे पहुंचते हैं, रैशनलाइज। क्या पहुंचते हैं? रैशनलाइज, कि रैशनलाइज कैसे करते हैं, रैशनलाइज कैसे करते हैं। चलो रैशनलाइज सीखने जा रहे हैं अपने लोग। अब रैशनलाइजेशन बेसिक से चालू करेंगे अपने वापस। फॉर एग्जाम्पल 1/√2, क्या ये सही आंसर है? देखो ऐसा माना जाता है मैथ्स में, नीचे रूट कभी रहना नहीं चाहिए, तो ये आंसर हमको वैलिड नहीं करते हैं। तो हमको इन आंसर्स को सॉल्व करने के लिए उनको रैशनलाइज करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? रेशनलाइज करना पड़ता है। 1/√2, रेशनलाइज मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाइंग द नंबर विद द सेम नंबर इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। चलो इट मींस √2/√2, जो नीचे रूट टू था उसको सेम नंबर से मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। अब सॉल्व कर लेते हैं। √2 × 1 √2, √2 × √2 2। हाँ ये आंसर चलेगा, ऊपर हमको रूट चलेगा, हमको सिर्फ नीचे से रूट हटाना पड़ता है। इसको बोलते हैं रैशनलाइज। क्या बोलते हैं इसको? रैशनलाइज।
क्लियर ऑल ऑफ यू? चलो एक और रैशनलाइज का एग्जांपल कराता हूं, फिर इसमें भी हायर वर्जन पे जाएंगे अपने। इसलिए 1/3√5। अब तुम सोचोगे 3 तो आ रहा है वो चलेगा, 3 चलेगा मुझे नीचे, पर रूट फाइव नहीं चलेगा। क्या नहीं चलेगा? रूट फाइव। चलो अभी अपन ने सीखा था कि रूट फाइव से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दूंगा, कर दिया रूट फाइव से मल्टीप्लाई और डिवाइड, ठीक है। ऊपर हो जाएगा रूट फाइव, नीचे क्या हो जाएगा? 3 × 5। ये ध्यान रखना, √5 × √5 इट विल बी 5, और नीचे 3 है ऑलरेडी। तो मेरा आंसर होगा √5/15, √5/15। अब बहुत लोग मालूम है क्या करते हैं, कैंसिल 1 × 3, मेरा आंसर हो गया √1/3। क्या ये चीज सही है? ये चीज सही नहीं है। कैंसिलेशन कभी नहीं होते ऐसे, ऐसे कैंसिलेशन कभी नहीं होते। अगर ऊपर वाला नंबर रूट में है और नीचे वाला नंबर विदाउट रूट है तो वो कभी नंबर कैंसिल होगा नहीं। ये बहुत गलतियां करते हैं बच्चे, मैं 8th, 9th, 10th सबके पेपर्स में ये मिस्टेक मुझे दिखती है। तो प्लीज इस मिस्टेक का ध्यान रखना कि कभी भी अगर ऊपर वाला नंबर अगर रूट में है, नीचे वाला नंबर अगर नॉन रूट में है, तो वो कभी कैंसिल होंगे नहीं। क्लियर ऑल ऑफ यू? चलो एक लास्ट एग्जांपल कर लेते हैं। मेरे को क्या एग्जांपल आते जाते तो फिर मैं ऐसा एक और बता देता हूँ, एक और बता देता हूँ, एक लास्ट एग्जांपल 2/√5। अभी तक ऊपर 1/1 था, कुछ अलग लिया है ना मैंने, यस। चलो वापस रेशनलाइज तो वही करना है, √5, √5। क्या हो जाएगा ऊपर? ऊपर 10 मत लिख देना, गलत चीज, गलत बात, यही मिस्टेक मुझे बताने थे तुमको। ऊपर क्या होगा? 2√5। क्या होगा ऊपर? 2√5। और नीचे क्या होगा? 5। नीचे क्या होगा? 5। कटिंग वटिंग कुछ नहीं होगी, यही मेरा फाइनल आंसर होगा। क्लियर ऑल ऑफ यू? मेन मिस्टेक ये चीज का ध्यान रखना कि विदाउट रूट और नॉर्मल रूट वाले नंबर को कैंसिल कर सकते नहीं है, ठीक है ना? वो मल्टीप्लाई होंगे ना कुछ और होंगे। क्लियर ऑल ऑफ यू? चलो एक छोटी सी चीज बताता हूं मैं तुमको। जैसे अगर मैं बोलू 4 × √4, क्या ये 16 होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि दोनों नंबर अलग अलग है, ये मात्र यही रहेगा 4√4, हम इसको और कुछ सॉल्व कर सकते नहीं है। क्लियर ऑल ऑफ यू? हाँ, तुम रूट फोर का बोलोगे 2 लिख सकता हूं, वो सब लिख सकते हैं, वो अलग बात है। मैं बता रहा हूं मल्टीप्लाई वाली चीज कि अगर एक नंबर नॉर्मल है, एक रूट वाला नंबर है, तो वो दोनों मल्टीप्लाई होते नहीं है। क्लियर ऑल ऑफ यू? चलो अब रेशनलाइज पे जाते हैं। अभी तक तो ये बेसिक रेशनलाइज था, अब थोड़ा हायर लेवल वाला, जो 9th की फर्स्ट चैप्टर में हमने सीखा भी होगा कि 9th के फर्स्ट चैप्टर में हमने रेशनलाइज किया भी था, वो रेशनलाइजेशन सीखने जा रहे हैं हम लोग। चलो रेशनलाइजेशन क्या होता है, वो रेशनलाइजेशन कैसे सॉल्व करना है? चलो एक एग्जांपल, हम तो सीधा एग्जांपल, मैक्स बोले तो एग्जांपल, सीधा एक एग्जांपल 1/√7 − √3, फर्स्ट नंबर एग्जांपल का। अरे वाह, ये तो कुछ नई चीज आ गई, अभी तक तो नीचे एक नंबर थे, अब कितने नंबर आ गए? 2, वो भी प्लस और माइनस के साथ। अब इसको रेशनलाइज कैसे करोगे? हमेशा ध्यान रखना, रेशनलाइजिंग मतलब नंबर्स तो सेम होंगे, जो मैंने फर्स्ट में बताया था, नंबर्स में सेम ले लेता हूँ, √7 √3 √7 √3, क्या फर्क पड़ेगा? साइन का। अगर यहां माइनस है तो हम यहां पे प्लस लेंगे, और अगर यहां प्लस होगा तो हम वहां पे माइनस लेंगे। आया समझ में? क्लियर ऑल ऑफ यू? चलो अब इसको सॉल्व कैसे करना है, ये तो हमने लिख लिया, अब इसको सॉल्व कैसे करना है? ऊपर वाले को क्या लिखूंगा? ऊपर तो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, √7 + √3, √7 + √3। नीचे वाले को सॉल्व करना एक टास्क हो गया तुम्हारे लिए, क्योंकि ये जो आइडेंटिटी है ये तुमको काम आती थी, a + b a - b, ओ आइडेंटिटी तक वापस लेके जाना पड़ेगा तुमको। याद है आइडेंटिटी सबको? a + b a - b। क्या होती है आइडेंटिटी? a² − b² क्या होती है? a² - b². चलो मतलब क्या हो, इसको मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं, √7 ² - √3 ² देखो अभी एक स्टेप बताना पड़ रहा है, अगली बार तो तुम ओरली कर लोगे कि डायरेक्ट आंसर क्या होगा तुम बता पाओगे, समझ लो? अभी बेसिक बेसिक है, इसलिए एक एक स्टेप करते जा रहे हैं अपने, तो उसके लिए कोई टेंशन नहीं। इतना समझ में आया सबको? चलो अब इसको मैं नीचे क्या लिख सकता हूँ,
ऊपर वापस वही रूट सेवन प्लस रूट थ्री एज इट इज, नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा रूट सेवन का स्क्वायर सेवन, रूट थ्री का स्क्वायर थ्री, मतलब माई आंसर विल बी रूट सेवन प्लस रूट थ्री अपॉन फोर, दिस इज माई फाइनल आंसर। आया समझ में? तुम्हारी गलती बताऊं क्या करोगे, तुम लिख दोगे इसको रूट टेन अपॉन फोर। ये मत करना भाई लोगो प्लीज, ऐसे प्लस नहीं होते हैं रूट के सम्स, रूट के सम्स ऐसे प्लस नहीं होते हैं। आया समझ में? क्लियर ऑल ऑफ यू? चलो एक और रैशनलाइज बताता हूं, ये इसके हायर वर्जन पे जाएंगे हम लोग। वर्जन देख रहे हो तुम, बढ़ते जा रहे अपना भी, जैसे आईफोन में बढ़ते जाते हैं वर्जन, वैसे अपने वर्जन बढ़ रहे थे, समझ रहे हो? चलो एक और रैशनलाइज का एग्जांपल, टू अपॉन, अभी ऊपर वाले में वन था, यहाँ पे टू ले रहा हूं मैं, टू अपॉन रूट फाइव माइनस रूट थ्री, क्या करना है, सॉल्व करना है। चलो करते हैं, रैशनलाइज सिखाया था मैंने, सेम नंबर्स बट डिफरेंट साइन, सेम नंबर्स बट डिफरेंट साइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हो गया इतना समझ में? चलो ऊपर वाले को क्या लिख सकता हूं मैं, टू, बाकी ब्रैकेट में रहने दो, रूट फाइव प्लस रूट थ्री। यस ऑल ऑफ यू? नीचे वाले के लिए मैंने बताया था, वापस बता रहा हूं, ए प्लस बी ए माइनस बी, आइडेंटिटी क्या होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वापस पूरा सॉल्व कर रहा हूं एक बार, मतलब रूट फाइव का स्क्वायर माइनस रूट थ्री का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे लिए, ये ऊपर वाला तो एज इट इज, और नीचे वाला रूट फाइव मतलब फाइव, रूट थ्री मतलब थ्री, ये तो समझ पड़ता है ना, रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, इतना तो आता है सबको। चलो माई आंसर विल बी टू रूट फाइव प्लस रूट थ्री अपॉन टू, फाइव माइनस थ्री इज इक्वल टू टू। टिचिक टिचिक, आई चीज समझ में? तो मेरा आंसर बचा रूट फाइव प्लस रूट थ्री, दिस इज माई फाइनल आंसर। क्लियर ऑल ऑफ यू? रैशनलाइजेशन समझ में आया सबको? ये बेसिक रैशनलाइजेशन है, आ रहा है सबको समझ में? एक लास्ट सम करवा देता हूँ, क्या बोलते हो? चलो एक फाइनल लास्ट सम, ठीक है, फिर रैशनलाइजेशन तुमको पूरा क्लियर है, फिर तुमको और प्रैक्टिस करने की भी नीड नहीं है, ठीक है, पांच दस सम करने का, रैशनलाइजेशन में कभी कोई प्रॉब्लम आने की नहीं है। एक लास्ट सम करते हैं, थ्री अपॉन रूट सेवन प्लस रूट फाइव, इस बार कुछ अलग ही किया, ऊपर भी नंबर है नीचे भी प्लस है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना अपने को, अपने को क्या ध्यान रखना है कि रैशनलाइज जब भी करो नंबर विल बी सेम, साइन विल बी डिफरेंट, नंबर सेम रहेंगे पर साइन क्या होंगे, अलग अलग होंगे, साइन क्या होंगे, अलग अलग होंगे, ठीक है। चलो वापस वही, थ्री नीचे एज इट इज रूट सेवन माइनस रूट फाइव, नीचे वाला डायरेक्ट लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं डायरेक्ट, सेवन माइनस फाइव, ये चीज तुमको समझ पड़नी चाहिए। अब डायरेक्ट कैसे लिखा हमने, वही वापस ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब रूट सेवन का स्क्वायर माइनस रूट फाइव का स्क्वायर मतलब सेवन माइनस फाइव, तो मेरा आंसर हुआ थ्री अपॉन टू ब्रैकेट रूट सेवन माइनस रूट फाइव, दिस इज माई फाइनल आंसर। क्लियर ऑल ऑफ यू? रैशनलाइज क्लियर? और हायर वर्जन भी आएंगे, 11, 12th में जाओगे डबल रैशनलाइज आएगा, 10th में भी ट्रिगो में सीखोगे डबल रैशनलाइज होगा, डबल रैशनलाइज मतलब ऊपर भी रूट्स नीचे भी रूट्स, तो उसको सॉल्व करना अपने को आना चाहिए। क्लियर ऑल ऑफ यू? आज के लिए इतना काफी है, सबको समझ में आए होंगे चारों टॉपिक्स, गो थ्रू कर लेना वापस से, बहुत इंपॉर्टेंट है चारों टॉपिक्स, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एलसीएम और रैशनलाइजेशन, एलसीएम और रैशनलाइजेशन। थैंक यू ऑल ऑफ यू।